तो हमारे जो बजरी से अभी अंडे में बैठे हुए दो तीन जोड़े, जब ये अंडे से निकल जाएंगे इनके बच्चे, तो हम इनको भी ऊपर शिफ्ट कर देंगे हमारे, जब तक सुपर केज बन जाएगा। दोस्तों मानो की जगह खाली पड़ी हुई है और मानो को जो मिस कर रहा है सबसे ज्यादा वो ये है। देखिए अभी भी मानो के पीछे बैठी हुई, अभी भी मानो के पीछे बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो यार आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, धूप बिल्कुल सख्त निकली हुई है। मैं अभी अभी फ्रेश होके आया हूँ ऊपर, और आज जो है हमें यहाँ का काम बिल्कुल क्लियर करना है, ब्लॉग्स लगाने। मैं अभी बता कर आ गया उसको कि यार आज दोबारा, मतलब कल आपने भेजा नहीं था ब्लॉग, आपकी शॉप बंद हो गई थी, तो आज ये सामान आ जाएगा। तो हम रात को इफ्तारी के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रोज़ा है मजदूर का भी और मेरा भी, तो इफ्तारी के बाद स्टार्ट करेंगे। तो यार मैं दोस्तों सोच रहा था कि हम यहाँ पर भी कुछ बनाएं। आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि यहाँ कुछ बनाना चाहिए, किस चीज़ के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पर एक क्यारी बनाएं जो खरगोश के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। सबसे पहले हम इस काम से फारिग हो जाएँ, फिर वो वाला काम भी स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कॉकटेल जो है ना, हम अगर बजरीज के साथ कॉकटेल जोड़ देंगे तो वो कॉकटेल आप लोगों को तो पता है मार देते, लड़ते हैं, इनकी कॉलोनी बड़ी ख़तरनाक होती है। तो हम यहाँ पे कॉकटेल और यहाँ पे लुटिनो रखेंगे और यहाँ पे बजरीज रखेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से यहाँ पे हम रैबिट्स लेकर आ जाएंगे और प्यारे प्यारे डग्स भी लाएंगे। तो सही है, आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और यार लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताया करें कि मुझे और क्या क्या चीज़ लाने चाहिए। बस तो अभी जो है बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप निकली हुई है और बहुत ज़्यादा ही कोई गर्मी लग रही है, तो ये पौधों को मैं सोच रहा हूँ पानी दे दूँ लोगों को और यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लूँ। तो कुछ करने को तो है नहीं, अभी हमारे बर्ड्स हैं नहीं। पहले तो ये था कि मैं ग्रे पैड्स के साथ टाइम पास कर देता और बजरी थोड़े अंडे में बैठे हुए वहाँ के, मतलब बहुत अंधेरा है वो नीचे वाला सेटअप, वहाँ उनकी भी सफाई करनी थी, मगर मैं सोच रहा हूँ कि अभी उनकी सफाई नहीं करेंगे, पहले ये सुपर केज बन जाए, इसके साथ उन सबको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, फिर आराम से हम स्टार्ट करेंगे सब काम। तो पहले मैं इन सबको यार पानी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है, ऐसे नहीं कि जल जाएँ, तो इनकी भी जान होती है, मगर मुझे सुकून मिलता है रोज़े में। मैं सोचा कि यार आके इनको पानी भी दे देते हैं और आप लोगों को दिखा भी देते हैं, तो आइए पहले इनको पानी देते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि हम यहाँ पे दोबारा से गोट फार्म बनाएंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह रैबिट्स वगैरह आएंगे। ये देखें कितने प्यारे प्यारे फूल निकले हैं यहाँ पे रेड रेड से, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा सेटअप बनेगा दोस्तों, ये लोकेशन कितनी प्यारी है, अगर हम यहाँ पे एक बहुत प्यारा सेटअप बनाएंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो, कमेंट में बताया करें कि आप लोगों को किस टाइप्स के वीडियोस और कौन कौन से कंटेंट और किस तरीके के बर्ड और पेट्स पसंद हैं, तो लाजमी मुझे बताइएगा। और आप लोगों को प्यारे प्यारे वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से लाजमी आएंगे। तो यार आज जो हम इसका काम स्टार्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा ही कोई लेट हो रहा है, क्योंकि यार मैं भी चाह रहा हूँ आप लोगों को प्यारे प्यारे वीडियोज़ आए और नए नए पेट्स के साथ आप लोगों को मैं दिखाता रहूँ। दोस्तों अभी हमने पौधों को पानी दे दिया, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, मैं अभी नीचे चले आता हूँ, फिर जब जाके ब्लॉक वाले आएंगे तो ब्लॉक लेकर आके फिर हम काम स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। तो दोस्तों मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ और ये काम इंशाल्लाह आज स्टार्ट हो जाएगा। तो यार अभी मैं जाऊँगा नीचे गेज में बजीज के, क्योंकि वहाँ पे कुछ बजीज ने अंडे दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अंडे ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो अंडों में बैठी हुई, अभी तक कुछ पता नहीं है। काफ़ी मिस कर रहा हूँ मैं मानो को, मानो का लाना यहाँ पड़ा हुआ, और मानो हमारी नहीं है, मिस यू मानो यार। इंशाल्लाह एक ऐसा परिंदा लेकर आएंगे जो मानो से भी ज़्यादा प्यारी है। दोस्तों ये रहे हमारे बजीज, अभी मुझे अंदर जाना है और लाइट भी नहीं है, तो पहले लेकर आता हूँ लाइट, फिर अंदर जाएंगे। दोस्तों ये लाइट जो है हमने उतार दिया है, मुझे तो लग रहा है लाइट सही होगा और ये तार का कुछ मसला है, शायद जल जाए, ट्राई करके देख लेते हैं। यार दोस्तों ये देखो यार कितना गंदा हो रहा था, जो हमने पानी तक नहीं दिया इसको, हो सकते हैं मुश्किलों से मैं अंदर आया हूँ, और कैप जो मैंने उतार दी रेड कैप से लोग करते हैं यार। तो यार ये बजीज है देखो, कितना कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे यार। तो यार इसे गंदगी इसलिए हो रही थी, मैंने बिल्कुल केयर नहीं किया, बिल्कुल टाइम ही नहीं था, देखिए कितने अंडे पड़े हुए यहाँ पे आगे पीछे। पहले तो हम इसको लाइट लगा के देखते हैं यार चलते हैं या नहीं। तो मैंने लाइट लगाया मगर लाइट जो है ख़राब है, लाइट नहीं बल्कि होल्डर ख़राब है, तो हम चले यार। तो पहले तो हम यार इस पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि ये अंडों में बैठे हुए, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने अंडे मौजूद हैं। मुझे तो लगता है काफ़ी अंडे ख़राब कर चुके हैं, ये देखें कितने अंडे लोग बेच दिए यहाँ पे। ये देखो यार यहाँ पे एक बच्चा जो है वो निकल गया है, और एक दो तीन चार अंडों में बैठी हुई है, और एक बच्चा जो इतना प्यारा है माशाल्लाह देखें ये निकल चुका है। तो एक अब तक एक अंडे यहाँ निकल गया, और यहाँ तो खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी खाली, यहाँ पे दो अंडे पड़े हैं, ये भी खाली है, ये तो है ही ख़राब। यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे और पांच अंडे बैठी हुई, और यहाँ भी कुछ नहीं,
दोस्तों फिलहाल सिर्फ यहाँ पे अंडे और बच्चे हैं, और यहाँ पे मतलब ये जोड़ा और एक वो वाला जोड़ा, ये दोनों बैठे हुए अंडों में। तो हमारे पास अभी गिनती में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल दोस्तों 11 के 11 और बजरीज पड़े हुए, और जो एक जोड़ा है वो अंडों में बैठा हुआ है, इसका बच्चा भी निकला हुआ है, और एक जोड़ा इसमें बैठे, इसमें दो अंडे, और बाकियों ने अपने अंडे जाया कर दिए। तो दोस्तों यही वजह ये थी कि हमने इसको सफाई नहीं करी। दोस्तों यार अभी तो यहाँ पे दम घुट रहा है, क्योंकि यार काफ़ी गर्मी और हब्ज है, यहाँ पे गंदगी कितनी पड़ी हुई है, तो यार रोज़ा भी है, तो आज मैं इसको यहाँ हाथ नहाने नहीं वाला, क्योंकि यार गंदगी इतनी हो रही है और रोज़ा खराब हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे पानी और दाना दे देते हैं, और ये अंडों को मैं उठाऊँगा और अंडे चेक करूँगा कि अंडे में है क्या। तो यार काफ़ी अंडे जाए इसलिए करते हैं क्योंकि हम इनको अभी तक फीड्स वगैरह नहीं दे रहे, जैसे कि सीज़न में जैसे कि हम लोग भुट्टे वगैरह देते हैं, दवाई मेडिसिन वगैरह चौक वगैरह जो आते हैं वो अभी हम इसको नहीं दिए। तो इंशाल्लाह जब इनका गेज ऊपर बन जाएगा तो हम सबको ऊपर ले आके इनकी बहुत प्यारी मतलब अच्छी सी केयर करेंगे। पहले यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ कम हो गया, पहले हम यहाँ पे लेकर आए थे तकरीबन 8 दाने, फिर 8 से बढ़ते बढ़ते 400 हो गए, अब देखिए फिर से 9 दाने वापस आ गए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उसकी केयर करेंगे और गेज के अंदर डाल के और इनकी मतलब कॉलोनी को बढ़ाएंगे। तो फिलहाल तो अभी सिर्फ ये आप लोगों को दिखा दिया मैंने, बाकी ये सेटअप इंशाल्लाह कुछ दिनों में तोड़ के हम इनको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखें हमने 2 अंडे साइड पे कर दिए, और देखें ये तीसरा अंडा, ये चौथा, इनमें कुछ अंडे टूटे हुए, और ये 5 अंडे, 5 अंडे देखें इन्होंने ज़ाय करे हुए। यार कसम से बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अंडे ज़ाय किए हैं, वजह यह है कि बहुत गंदगी और दवाई नहीं है, और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, लाइट भी नहीं। यार इंशाल्लाह हम इन कॉलोनी को और सही तरीके से बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह इसको साफ़ करेंगे, सबसे पहले तो साफ़ करेंगे क्योंकि ऊपर का गेज अभी शायद बहुत मुश्किल है, लेट बने, इसको साफ़ करके फिर हम इनको ऊपर ले आएंगे। ये देखें कितने प्यारे लग रहे, डर के हमारे कितने कोने में बैठे हैं, ये देखो भैया, तो डर ये भी लग रहा है कि अगर हम लाइट जला भी दें तो करंट भी लग सकता है इन लोगों को। ख़त्म हो चुका है बिल्कुल कचरा है, तो दाना और पानी इनको दे के तो दुआ करें यार आप सब लोग, यार जो भी देख रहे हैं उनके लिए दुआ करें ये बच्चे सही सलामत निकल जाए, और ये अंडों में बैठी हुई मेरे ख्याल से वो अंडे जो हैं ख़राब हो चुके हैं, और जो अंडों में बैठी वो नीचे बैठी वो सही है, तो ये बच्चा निकल जाए सही सलामत, दुआ करें। प्याला धो लिया है बहुत, देखो कितना साफ़ हो गया यार, ये अब पानी लेकर आके इसमें पानी डालते हैं, यार अब इसमें पानी डाल देते हैं, हमने पानी डाल दिया, देखिए कितना साफ हो गया पानी, अब ये बहुत खुशी खुशी पियेंगे, देखिए कितना गंदा था पानी यार, अब पानी पियेंगे लोग आराम से। और तो इनका खाना भी आ गया दाना, अब ये दाना खाएंगे, थोड़ा हम निकाल के यहाँ फेंक देते, इससे ये के लोग बैठ के ना तो प्यार से खाते। तो हम लोगों ने दाना पानी दे दिया, तो हम अभी बाहर निकलते हैं, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है यार, ये उड़ जाए। दोस्तों ये काम जो है आज भी रुक चुका है, वजह ये बनी आज भी शॉप बंद। तो सीन ये है जो हमने ब्लॉक लगाने हैं इसमें वो है 3 इंची, तो उस शॉप वाले के पास जो है 4 इंच के पड़े हैं, तो ये काम आज भी रुक गया, तो ये काम हम करेंगे कल, तो माजरत सॉरी। दोस्तों आज हमने पौधों को पानी नहीं दिया, देखें कैसे मुरझाए हुए, तो हम अब इनको पानी देते हैं। तो दोस्तों अफ्तारी का टाइम होने वाला है, हमने पानी दे दिया है पौधों को, और ये काम जो है हम कल स्टार्ट करेंगे, और आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।